हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्री जी की रसोई में। तो जैसे कि आप सबको पता है, विंटर सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर हमें गर्मा गर्म सूप पीने के लिए मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं हम मशरूम का सूप। तो मैंने यहाँ पे जो ये कोई 250 से 300 ग्राम के करीब मशरूम लिए हैं, इसको हम लोग ब्रिक चॉप करेंगे। इनको हम ब्रिक पीसीस में काट लेंगे। चाहो तो आप और भी ब्रीक कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ऐसे ये सारे मशरूम काट लेंगे हम। तो ये हमने मशरूम के स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। पेस्ट ये है 1 चम्मच के करीब, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्रीम और मलाई। लेमन इज टोटली ऑप्शनल एज पर योर टेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन करते 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबल स्पून डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे। मशरूम्स में लीवो वाटर डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको आपने रिंस करना है, अदरवाइज ये बिल्कुल हल्के हाथों से इसको आप क्लीन कीजिए। इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी पानी में धुल जाएंगी और एक बार और आप इसको ये वाला पानी ड्रेन करके क्लीन वाटर में रिंस कर लीजिए। मशरूम बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए इसको हाई फ्लेम पर करके आप ढक के 4 से 5 मिनट तक कुक होने देंगे। बीच में एक दो बार आप मशरूम को हिला दीजिए। अगर आपको लगे कि इसने पानी नहीं छोड़ा है या इसमें पानी की क्वांटिटी कम है तो आप फ्लेम को मीडियम स्लो पे कर दीजिए। अभी मैं फ्लेम को स्लो कर रही हूँ, मीडियम स्लो। चार मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा धनिया मिलाएंगे। अब इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसके 1/3 पोर्शन छोड़कर इसको बाकी के मशरूम्स को ग्राइंड कर लेंगे। 3/4 पोर्शन जो मशरूम के थे वो मैंने ग्राइंडर जार में डाल ली और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में मिक्स कर दिया है, अब हम इसको सूप में मिलाएंगे। अब हम सूप को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए तब तक पकाएंगे जब तक ये कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ठीक ना हो जाए। फ्लेम
फ्लेम को आप मीडियम स्लो पर ही रखिए। इसको एक और मिनट के लिए कुक करेंगे। साथ में थोड़ा सा चॉप्ड धनिया मिलाएंगे। अगर आप अनियन एंड गार्लिक यूज करते हो तो जब हमने अदरक का पेस्ट मिलाया था उसी दौरान स्लाइस्ड अनियन एंड गार्लिक का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। तो हमारा मशरूम सूप बनकर रेडी है। सो मशरूम सूप इज रेडी टू सर्व। हमारा मशरूम सूप रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप यू विल लाइक इट एंड ट्राई इट। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। यू कैन नाउ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। श्री राधे।